जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में। दोस्तों, मलेरिया आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी कॉमन सी बीमारी है। खासकर जहाँ पे भी गंदगी रहती है वहाँ पे मलेरिया होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो गंदे पानी में पनपने वाले एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, मादा मच्छर के काटने की वजह से। और ये कई बार जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि कई लोग जो इसका इलाज तक नहीं करवा पाते हैं, सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाते। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो है ठंडी बुखार लगना, या फिर ठंडा फिर गर्म लगना, इसके साथ में उल्टी आना, वॉमिटिंग होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, या बहुत तेज़ बुखार होना, कई बार 104 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो जाता है। हम आपके लिए पहले भी नुस्खा बता चुके हैं मलेरिया को ठीक करने का, और आज हम आपके लिए एक दूसरा नुस्खा लेके आए, क्योंकि अगर आपको मलेरिया का बुखार हो गया तो उसको उतारने में काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी बॉडी को बुखार से बचाने में भी हेल्प करेगा। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए हम बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप एक तकरीबन एक गिलास गुनगुना सा पानी ले लीजिए, उसके साथ में आप एक चम्मच के आसपास शहद ले लीजिए दोस्तों, उसके साथ में आपको काली मिर्च चाहिए रहेगी, और आपको चाहिए रहेगी दालचीनी। आप ले लीजिए शहद रहेगा, आप शहद को पानी में मिला लीजिए, आप अच्छे से इसको पानी में मिला लीजिए इस तरीके से। फिर आप इसमें तकरीबन आधे चम्मच के आसपास, उससे थोड़ी सी कम, आप इसमें काली मिर्च डाल लीजिए दोस्तों, और इसमें ये आप एक चम्मच दालचीनी डाल लीजिए। दोस्तों, अब आप इसको अच्छे से मिला लीजिए, और फिर आप इसको थोड़ा सा मिलाएंगे तो ये पूरा उसके अंदर घुलने जैसा हो जाएगा। थोड़ी सी ऊपर आपको दालचीनी की परत रहेगी, आप जब भी ड्रिंक बनाएंगे तो आप दालचीनी जानते हैं कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है, मिठास वाली रहती है। और अब दोस्तों, इस शहद जो ये पेय बना आप इसको पी जाइए, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बुखार उतारने में काफ़ी हेल्प करेगा, जो भी मलेरिया का बुखार है आपको, और आपकी बॉडी को उससे बचाने में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और इस तरीके की दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमसे पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।